मुख्यमंत्री साहब नूं मैं कहना चाहुंदा ये केड़ी नवीं राजनीति तुसीं शुरू कर ली आ कि हर गल श्रोमणी कमेटी हुण तुहानूं पुछ के करिया करूगी, तुसीं सानूं आदेश करिया करोगे। तो आप हुण गुरु रामदास पातशाह के दर के उत्ते भी किंतु परंतु शुरू करांगे। असीं डंगाई दे नाल लगे हां, तो हरजिंदर सिंह धामी ने तो कदे समझौता नहीं किया। जिथे कितें भी कोई इदां दे कार जिथे बेनिजमियां आउंदियां, एटलीस्ट असीं इन्हां गल्लां नूं करन नूं तैयार नहीं। पर मान साहब तुसीं अपना कार जिहड़ा उह चलाई चले जाओ, इधर ना चिंता करो। असीं हैगे आ सारे, साढ़े 150 लगभग मैंबर बैठा, असीं अपनियां जिथे भी कोई कताइयां होंदियां उन्हां कताइयां दे विच कदे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिंदे। ते असीं हुण भी जिहड़े इहदे विच नामजद हो जाणगे उह फिर जो बणदी सज़ा दिंदे। एक आवाज़ एवें दी ना बुलंद करो भई एक आपां राजनीतिक रोटियां सेकण लई किसी स्पैशल तौर पर PTC का नाम लैके श्रोमणी कमेटी में बिचे तुसीं कर रहे हो। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल जल्द तो जल्द शुरू करने की तैयारी दिखाई दे रही है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी वालों चैनल शुरू करने लिए सब कमेटियां का गठन किया गया है, नाल ही उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने केड़ी राजनीति शुरू कर ली है, हुण कमेटी हर गल तुहाडे तो पुछ के करिया करू। मान साहब तुसी अपना कार्ज चलाई चलो, इधर चिंता करन लई असी 150 दे करीब मैंबर मौजूद हाँ। एडवोकेट धामी ने सुके प्रशादियां दे मामले दे उत्ते भी अपना प्रतिक्रम दिता है। पिछले दिन ये बेनिजमियां सामने आईयां सी, जिहड़ा साडा फलाइंग विभाग आ उस फलाइंग विभाग ने यह सारी इनकुआरी की आदि हुण रिपोर्ट फाइनल आ जानी आ। वह फाइनल रिपोर्ट आने तो बाद जिहड़ी बनती कार्रवाई हरजिंदर सिंह धामी कदे पिछे नहीं हटिया। तो मुख्यमंत्री साहब नूं मैं कहना चाहुंदा ये केड़ी नवीं राजनीति तुसीं शुरू कर ली आ कि हर गल श्रोमणी कमेटी हुण तुहानूं पुछ के करिया करूगी, तुसीं सानूं आदेश करिया करोगे। क्यों इदां दीआं गल्लां करदे आ? तुहाडे आ 2.5 लाख करोड़ दा घटाला, पता नहीं किहदा सबसिडी दा आ। मेरी अपनी जुरिसडिक्शन, थोड़ी अपनी है, जी आयां नूं हर एक सिख नूं अधिकार आ गल करन दा। पर गल करन दा एक हुंदा गुरु रामदास पातशाह दे दर दी, उह झूठां दा एक हैगा जिहड़ा उहनूं आपां कहिंदे आ बेनिजमियां होईआं। ते आपां हुण गुरु रामदास पातशाह दे दर दे उत्ते भी किंतु परंतु शुरू करांगे। ये असीं डंगाई दे नाल लगे हां, ते हरजिंदर सिंह धामी ने तां कदे समझौता नहीं कीता। जिथे किते भी कोई इदां दे कार जिथे बेनिजमियां आउंदियां, एटलीस्ट असीं इन्हां गल्लां नूं करन नूं तैयार नहीं। पर मान साहब तुसीं अपना कार जिहड़ा उह चलाई चले जाओ, इधर ना चिंता करो। असीं हैगे आ सारे, साढ़े 150 लगभग मैंबर बैठा, असीं अपनियां जिथे भी कोई कताइयां होंदियां उन्हां कताइयां दे विच कदे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिंदे। ते असीं हुण भी जिहड़े इहदे विच नामजद हो जाणगे उह फिर जो बणदी सज़ा दित्ती जाऊगी। पहली गल तां इह आ वी जिहड़ा साडा पुराना एग्रीमेंट आ उह 23 जुलाई तक आ। आ मेहता साहब मेरे कोल खड़े आ, ये उस सब कमेटी के मैंबर आ जिस सब कमेटी ने यह चैनल के बारे सारा कुछ कार्य करना है। ये लगभग पिछले 6 महीने तो यतनशील आ, और यतनशील नहीं गए। असी अपना वायदा भी लोगों ना करते हैं भी एक आवाज़ एवें दी ना बुलंद करो भी एक आप राजनीतिक रोटियां सेकण लई किसी स्पैशल तौर पर PTC का नाम लैके श्रोमणी कमेटी भी बिचे तो कर रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट साढ़े 23 जुलाई तक आ। उस तो बाद कमेटी कर रही मीटिंगा, कल भी होनी ने एक मीटिंग रखी हुआ, वो असं यतनशील हाँ कि जो समझौता टर्म मुकूगी उस तो बाद अं शुरू करा। फिर सैटेलाइट का भी एक कमेटी बनाती है, ये आने दिनों के उन्होंने भी बड़िया चैनल जोड़े अपना शुरू करने भी यतनशील हाँ कि जो सिंह साहब ने आदेश किया कमेटी उद ही बनाती थी, क्योंकि कागजा पत्रों का मसला तो तुम यदि घोख भी कर सकते हैं। पर जोड़े विरोधी आ उन्हें यो गल सेक लैनी पी, इन्हों आदेश होया जे श्रोमणी कमेटी ने आदेश सिंह साहब का मनू की होर कौन मनूगा। असं खिड़े मथे उन्हों का हुक्म मानते भी हाँ, पर क्योंकि 1 साल का एग्रीमेंट से इस करके समय मुताबक जोड़ा यदा फैसला होना। हुण देखना होगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कदों अपना चैनल शुरू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी ते होगी पक्ष के मुद्दों की गल। सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब
डिबेट। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।